हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस। ओके फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जैसे कि आप लोगों का काफी कमेंट आया था कि सर आपने जो OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का आपने जो भी ऑब्जेक्टिव बताए थे वही सब आए थे पेपर में। तो सर प्लीज आप अकाउंट्स के भी ऑब्जेक्टिव बताए, तो मैं आप लोग के लिए हाजिर हुआ हूँ मैं अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स। और मैंने जैसे कि अभी पिछला लास्ट लेक्चर अपलोड किया था आप लोगों के लिए कि हाउ यू विल गेट 100% इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आप 100% यानी 100 में से 100 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, उसके लिए लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था। देखिए जैसे कि आप लोग का 80 मार्क्स का रहेगा तो 80 में से 80 आप लोगों को कैसे मिलेगा वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोग को दे दिया है। आप लोग को बता दिया था मैंने कैसे आप लोग को क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कितने मिनट में करने हैं, कैसे आप लोग को पेपर प्रेजेंट करना है। ओके फ्रेंड, ये सब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बताया था पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों को सी करना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आज मैं आप लोगों को सारे वो इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स दे दूंगा। आप लोग काम करना 2-3 बार इस वीडियोस को देखना, इससे क्या होगा आप लोगों का जो फिल इन द ब्लैंक्स का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप जैसे एग्जाम में पहुंचेंगे आप हैप्पी हो जाएंगे, सारे उसी में से आने वाले हैं, ये गारंटीड है। इधर उधर से कुछ होएगा नहीं फ्रेंड्स, आप विश्वास रखिए। ओके, तो उस फिल इन द ब्लैंक्स को देखने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए चलो से हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, आप लोग देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए चूज एप्रोप्रिएट आंसर्स। ओके फ्रेंड्स, यस, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोग के लिए लेक्चर अपलोड कर दिया था अकाउंट्स के सिंगल एंट्री से रिलेटेड, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, डिसोल्यूशन से रिलेटेड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और मैंने आप लोग के लिए अभी अपलोड कर दिया था पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, आपको पेपर्स कैसे प्रेजेंट करना होगा, कैसे आप 95% अबव ला सकते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। अगर अभी तक वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है, आपने अभी तक सिंगल एंट्री नहीं देखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं देखा है, तो उसका लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, तो आप लोग वो जाइए देख लीजिए और दोस्तों के साथ रिलेटिव्स के साथ मेरे इस चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ओके, ताकि क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सेक्शंस होते हैं, A, B, C, G एंड E। ए सेक्शन जो होता है ए वाला, उसमें रहता है 1 सेंटेंस, बी में रहता है 1 वर्ड। तो मैंने आप लोगों से बताया था आपको ए भी नहीं लिखना रहेगा, उसमें रहता है कोई भी ABCD दिया है, 5 में से आपको करना रहता है कोई भी 3 और वो 15 मार्क्स के लिए। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ई वाला जो है बिल्स ऑफ एक्शंस का फॉर्मेट आता है 5 मार्क्स के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, फॉर्मेट बहुत इजी होता है और वो फॉर्मेट कैसे बनाना है उसके लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। तो बिल्स ऑफ एक्शंस के आप सारे लेक्चर देखिए क्या होगा, बिल्स ऑफ एक्शंस का जब आप सारे लेक्चर देखेंगे जो मैंने अपलोड किया है तो उसमें आप लोगों का कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। और जो ये टाइप्स ऑफ बिल्स, बिल ऑफ एक्शंस के फॉर्मेट आते हैं वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ओके, यस, तो उसके बाद फिर आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सी रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, डी रहेगा ट्रू एंड फॉल्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आज मैं जितना आप लोगों को शो कर दूंगा उतना ही करना है आपको, और जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बस ये काम करना है आपको, इस वीडियोस को ना बार बार कहने का सेंस है, 2-3 बार देख लीजिए। आपके पास कभी भी खाली टाइम मिल रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स कर रहे हैं लेकिन आपको बोर फील होने लगा, तो फिर एक काम कीजिए इस वीडियोस को, मेरी वीडियोस को 2-3 टाइम प्ले करके देख लीजिए आप। ओके, तो इससे क्या होगा आप लोग को समझ में आ जाएगा और बाहर भी हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, क्या लिखा है देखिए, चूज़ एप्रोप्रिएट आंसर्स। ओके, एप्रोप्रिएट आंसर्स चूज़ करना है, प्लीज़ वॉच कंप्लीट लेक्चर टू गेट फुल मार्क्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। आप इसको पूरा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा मार्क्स मिले तो आप पूरा देखिए तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। यू विल गेट ट्रू एंड फॉल्स लेक्चर वेरी सून, ट्रू एंड फॉल्स लेक्चर का भी बहुत जल्दी लेक्चर आ जाएगा। प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियो ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन दैट आई हैव एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सो वॉच ऑल दोज बिल ऑफ एक्सचेंज वीडियोज दैट आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज हैं, तो प्लीज़ वॉच ऑल दोज वीडियोज। उसके बाद प्लीज़ वॉच ऑल 3 वीडियोज ऑफ सिंगल एंट्री टू गेट फुल 8 मार्क्स। सिंगल एंट्री भी है फ्रेंड्स, और उसके बाद वो भी अवेलेबल है आप लोग के लिए डिसोल्यूशन, वो कि आप लोग वो भी देख सकते हैं। आइए फिर देखिए अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा आपका सी सेक्शन
फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स दिए, जैसे कि मैंने उसी का एसपी का फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, सब वही आए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए थे वही सब आए थे। तो आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट रूट कॉज भी मैंने निकाले हैं, तो वो सब मैं आप लोग का अवेलेबल कर रहा हूँ, तो देख लेना पूरा वीडियो, और वीडियोस देखते ही आप लोग शेयर भी कर देना अपने सब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको भी शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फर्स्ट वाला दिया है द इंटरेस्ट, फर्स्ट दिया है द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रांसफर टू डैश साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्रेडिट साइड, ये तो आप लोग जानते हैं क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर होता है, बट व्हाई टेल मी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम फॉर द बिजनेस। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोगों ने पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है जैसे कोई सपोज हम लोग बात करते कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है। ओके, उस पार्टनरशिप बिजनेस में थ्री पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, सी को कुछ ज़रूरत पड़ गई, फैमिली प्रॉब्लम था, उसने 1 लाख रुपीज़ क्या कर लिया, कैश विड्रॉ कर लिया पार्टनरशिप में से, मतलब उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। ओके, अभी बिजनेस अलग है और ए बी सी जो पार्टनर्स अलग है। ओके, इस बिजनेस क्या सेपरेट लीगल स्टेटस रखता है, आप लोगों ने उसी में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा हुआ है। ओके, यस, लास्ट ईयर आपने अकाउंट्स में भी ये सब पढ़ा है। तो अब बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, तो बिजनेस क्या बोल सकता है मिस्टर सी को कि यू हैव टेकन रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम मी, मीन्स यू हैव ड्रॉन कैश, मिस्टर सी ने कैश विड्रॉ किया है। तो बिजनेस का ये रूल बनाया गया, कभी भी जो पार्टनर है अपने बिजनेस में से पैसा निकाले या कोई भी बिजनेसमैन हो गया तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो पैसा उसे उस बिजनेस को लौटाना है। ओके, तो इसीलिए उसको ऐसा कहा जाता है, क्या हो गया वो क्रेडिट। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी वो ड्राइंग हो गया, वो पैसा निकाला है, तो जब वो ड्राइंग के ऊपर वो इंटरेस्ट देगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, किसके लिए, बिजनेस के लिए, इसलिए क्रेडिट साइड। इफ़ एनी असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अगर कोई भी असेट लिया जाता है किसके द्वारा, पार्टनर से, फ्रॉम द फर्म। देखो अभी देखिए क्या, अभी आप लोगों ने सिंगल एंट्री पढ़ा है ना, सिंगल एंट्री का ही है, सिंगल एंट्री का आप लोग जाइए मेरा फॉर्मेट देख लीजिए, पूरा फॉर्मेट मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस फॉर्मेट में सब कुछ अवेलेबल है। क्या दिया, इफ़ एनी असेट इज टेकन, अगर कोई भी असेट लिया जाता है, इफ़ एनी असेट इज टेकन, ओके, कोई किसके द्वारा, फ्रॉम द फर्म, अकाउंट विल बी डेबिटेड, किसका, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा आप खुद ही बताइए, अगर कोई भी असेट्स लिया जाता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बताइए, देन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, यस, उसके बाद देखिए, इफ गुडविल इज रेज्ड, अगर गुडविल रेज किया, इफ गुडविल इज रेज, देखिए ये क्या दिया हुआ है, सेकेंड वाला, इफ एनी असेट इज टेकन, अगर कोई भी असेट लिया जाता है ओवर बाई द फर्म, ओके, तो डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो कौन सा आप लोग जनरल एंट्री पास करते हैं ना। ओके, यस, इफ गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, अगर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल एक्सटेंड किया, डैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग रिटायरिंग का सॉली कर रहे हैं, डैश एक्स्ट्रा डेज आर अलाउड ओवर एंड अबाउ द पीरियड ऑफ बिल। ओके, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देख लेना, क्या रम अलाउ होते, थ्री एक्स्ट्रा डेज, इनको क्या कहा जाता है, ग्रेस डेज। देखिए अभी यहाँ पे अगर ऑप्शन सिर्फ थ्री दिया है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ थ्री लिखना है, लेकिन अगर मुझे ऑप्शन दे दे थ्री ग्रेस डेज तो मुझे थ्री ग्रेस डेज लिखना रहेगा। इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश शोन, देखो क्या बोल रहा है, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बताइए। अभी अगर आपने सपोज मिस्टर ए इज़ अ ओनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, जब आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, अगर प्लीज़ हाँ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ और आप लोग को एडवाइस भी दे रहा हूँ, अभी तक अगर आप लोगों ने सिंगल एंट्री का मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने सिंगल एंट्री के ऊपर 3 लेक्चर्स दिए, प्लीज़ जाओ वहाँ पर देखो, सिंगल एंट्री का एक एक डाउट आप लोग का लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, क्यों किसी चीज़ को ऐड करते हैं, क्यों लेस करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा फंडा क्लियर होगा। और इस वीडियो को भी एंड तक देखना। इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इंटरेस्ट इज कैपिटल,
ओके देखो क्या बोल रहा है, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोल रहा है, इन द स्टेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है क्या किया जाता है, सोन ऑन सब्ट्रैक्शन। क्यों सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको, बिकॉज अगर एक बिजनेस में पैसा लगाया है मिस्टर ए, सपोज मिस्टर ए स्टार्टेड अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड ही हैज़ इन्वेस्टेड रुपीज 10 लाख, और 10 लाख के ऊपर उसने ऐसा फंड अप्लाई किया कि अगर देखो अगर मिस्टर ए 10 लाख रुपये बैंक में रखता तो बैंक उसको इंटरेस्ट देती थी, सेम लाइक दैट हिज बिजनेस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन, तो बिजनेस ऐसा रूल बनाया गया कि बिजनेस भी क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस कभी भी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ओके सब्ट्रैक्ट करते, इसलिए सब्ट्रैक्शन है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट, ओके देखो क्या बोल रहा है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी तो किस में डेबिट होगा, मशीनरी में, क्यों, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर खरीदा, सो आई एम जस्ट गिविंग यू सैम्पल, सपोज यू बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹40,000, आप लोगों ने एक लैपटॉप लिया 40,000 के लिए, और सपोज आप लोग को उसका सॉफ्टवेयर करना है, स्टार्टिंग करना है, इंस्टॉलेशन करना है, क्या क्या उसमें ऐप्स आएंगे वो आपको नहीं मालूम है, तो आप लोगों ने इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर हैज़ टेकन 1,000 मोर, तो पहले उसका कॉस्ट कितना था 40,000, उसके ऊपर इंस्टॉल करके दिया सारे ऐप्स, सारे प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ इंजीनियर ने करके दिया, ओके जो कंप्यूटर इंजीनियर है, सो ही विल चार्ज 1,000 मोर, तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा लैपटॉप का 41,000, इसका मतलब आप वो जो कॉस्ट था इंस्टॉलेशन किस में ऐड हुआ, उस असेट्स में यानी लैपटॉप में, तो सेम लाइक दैट अगर मशीनरी के लिए कोई एक्सपेंसेस से वेजेस दिया गया है तो मशीनरी में ऐड होगा। द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज शेयर्ड बाई डैश, ओके क्या दिया है, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन, सो हाँ जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है रिवैल्यूएशन से वो शेयर किया जाता है ऑल पार्टनर्स के बीच में, ओके यस। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज शेयर बाई डैश, देखो ध्यान से देखना ये ऊपर वाला 7th भी और ये भी, इसमें क्या बात किया था, द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज शेयर बाई डैश ऑल पार्टनर, जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर्स का तो जो भी रेवेल्यू असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो भी वैल्यू आता है वो शेयर कौन करता है, ऑल पार्टनर रिटायरमेंट के केस में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर नया पार्टनर आता है, द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज़ शेयर बाई पार्टनर्स, तो कौन शेयर करता है सारे प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड पार्टनर्स ही शेयर करते हैं, ओके फ्रेंड्स यस। आगे का देखिए क्या दिया, देर आर डैश पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बहुत इजी और एक कॉमन है, 100% आएगा इस बार भी, 3, ओके कितने पार्टीज होते हैं, 3, कौन, ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे, फिर से मैं बोल रहा हूँ अभी भी अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा भी अटके हैं, थोड़ा भी नहीं आ रहा है, तो मैंने आई हैव अपलोडेड ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो स्टार्ट कीजिए नंबर 1 से लेके पूरा देख लीजिए 7 लेक्चर, यू भी कभी डाउट रह ही नहीं जाएगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके देखिए, द कैपिटल बैलेंसेस आर असेटेड बाई प्रिपेयरिंग डैश, जो कैपिटल बैलेंस होता है वो कैसे मालूम पड़ता है भाई, अभी आप लोगों जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंगल एंट्री में कैसे मालूम पड़ता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, कितना आएगा, वो क्या बनाते हैं आप, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सिंगल एंट्री का, प्लीज़ जाकर देख लीजिए। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड, ये तो ये जो आप लोगों का कंपनी अकाउंट से इशू ऑफ इक्विटी शेयर उसका एक क्वेश्चन है, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेड, जब भी शेयर फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। देखिए जब कंपनी शेयर्स के नाम से पैसे लेती है, सपोज कंपनी ने 100 शेयर के नाम से पैसे लिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करती है कंपनी, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है, लेकिन जब कंपनी ने 100 शेयर के नाम से पैसे लिए थे, सामने वाला एक ऐसा बंदा जिसने 10 शेयर का पैसा ही नहीं दिया, ओके तो उसका शेयर कैंसिल करना पड़ता है, तो पहले किसी चीज़ को बढ़ाया था, किसी चीज़ के नाम से इनकम आया था तो क्रेडिट था, शेयर कैपिटल क्या था, क्रेडिट था, ओके लेकिन बाद में क्या हो गया, 10 ने दिया नहीं, तो उसके इफेक्ट को नील करने के लिए करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल को वापस डेबिट करना पड़ेगा, तो फॉरफिट करना यानी कैंसिल कर देना, ओके यस। एक बार 100 शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया 100 से, उसके बाद शेयर कैपिटल को 10 से क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90 आ जाएगा। अबिल इज ड्रॉन एंड 23rd October 2016 पेबल फॉर 3 months, क्या बोल रहा है, एक बिल ड्रॉ किया जाता है एंड 23rd October 2016 पेबल फॉर 3 months,
द ड्यू डेट ऑफ द विल बी। ओके, अभी भी अगर आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करने नहीं आता है तो आप लोग मेरे सारे लेक्चर्स विल्स ऑफ एक्शन के जाकर देखिए। ओके, यस, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि बिल को कैसे, बिल का ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 23 अक्टूबर 2016 को बिल ड्रॉ किया गया है, कितने महीनों के लिए, फॉर 3 मंथ्स। तो अक्टूबर में आप 3 महीना ऐड करेंगे। अक्टूबर कौन सा महीना होता है बोलिए, अक्टूबर कौन सा मंथ होता है, अक्टूबर इज़ अ 10th वाला मंथ। ओके, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर दिसंबर, तो 10 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 13 हो जाएगा। लेकिन आप 13 लिख सकते हैं क्या, नहीं, यू कांट राइट 13। ओके, तो आपको क्या लिखना रहेगा वहाँ पर, आपको लिखना पड़ेगा जनवरी। ओके, जनवरी हो जाएगा तो, लेकिन अभी फिर जनवरी आ जाएगा तो आ जाएगा 23 जनवरी। अभी 23 जनवरी में 3 ग्रेस डेज ऐड किया जाता है, 23 में 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे आप तो 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। बट 26 जनवरी इज़ अ रिपब्लिक हॉलीडे, मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी ऐसा रिपब्लिक हॉलीडे आता है, देखिए मेरा लेक्चर जाके देख लीजिए, बिल्स ऑफ एक्शंस का सब क्लियर हो जाएगा। ओके, कभी भी ऐसा आता है तो 1 डे अर्लियर होता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर रहेगा 25th जनवरी 2017। ओके, यस, देखिए अगला है, द कैपिटल बैलेंसेस आर असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग डैस। कैपिटल बैलेंस कैसे मिलता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये देखिए ऊपर भी आया था, ये देखिए सेम 10th वाला, कैपिटल बैलेंस कैसे निकलता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने से। ओके, यस, द कैपिटल, ये वाला याद रखना, हाँ फ्रेंड ये आएगा, ये श्योर है आएगा। ओके, आप लोग खुद मुझे बाद में कमेंट करके बताओगे कि सर ने आपने जो जो बताया था वही आया। ओके, तो ये आएगा, हाँ एक आता ही क्वेश्चन है, कैसा ऑब्जेक्टिव, द कैपिटल बैलेंसेस आर असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इफ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डैश इज डेबिटेड। ओके, क्या डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया जाता है। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम डैश, रिटर्न आउटवर्ड होता क्या है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है बताइए आप, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेस रिटर्न। ओके, यस, तो उसको क्या बोलते हैं, कहाँ से डिडक्ट किया जाता है, आप लोग परचेस रिटर्न कहाँ से माइनस करते हैं, परचेस में से ना, यस। आगे दिया, डैश इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए सबसे ज़्यादा का जो रिवेन्यू होता है क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज अ मेजर सोर्स। ओके, यस, आगे दिया, असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर डैश। देखिए मैंने डिसोल्यूशन में इसको बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बताया दिया है, ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, जब डिसोल्यूट होता है पार्टनरशिप फर्म तो जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, कौन से वैल्यू पे, ऑफकोर्स ना बुक वैल्यू पे। ओके, यस, अ पर्सन ऑन होम बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इज कॉल्ड डैश, एक ऐसा पर्सन ऑन होम जिसके ऊपर, जैसे मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, तो ए क्या करेगा, ड्रॉ करके देगा बी को गुड्स, बिल ड्रॉ करके देगा, तो किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, ड्रॉई के ऊपर। ओके, तो ड्रॉ इज द करेक्ट आंसर। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल इट शोज डैश, आपको उस क्लोजिंग कैपिटल क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल, देखिए अगर मिस्टर ए हैज स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज़ 5 लाख, अगर उसने 5 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया, बोलिए हाँ, ओके, उसके बाद बिजनेस करते करते जब भी 1 ईयर पूरा चला गया ना, तो लास्ट में उसने देखा सब कुछ, प्रॉफिट एक्सपेंसेस माइनस करके सब, उसका कैपिटल पूरा बैलेंस उसका आ रहा था 8 लाख। ओके, उसका कैपिटल कितना हो चुका था, 8 लाख, तो इसका मतलब एक साल में उसका कैपिटल कितना बढ़ गया, 3 लाख बढ़ गया, तो उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या हो गया उसको, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। यानी क्लोजिंग कैपिटल अगर ग्रेटर है, क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा हो गया उसका, ओपनिंग कैपिटल जब भी उसने 1 अप्रैल 2019 की बात करें, उसने स्टार्ट किया बिजनेस तो ही एज इन्वेस्टेड रुपीज़ ओनली 5 लाख, ये उसका ओपनिंग कैपिटल था, लेकिन 31 मार्च 2020 को उसका कैपिटल हो गया 8 लाख, तो 3 लाख बढ़ा ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। डैश इज़ अ इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल ये आएगा, हाँ फ्रेंड ये लगे रहना इसमें। डैश इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट अंडर कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। ओके, डिबेंचर क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है, क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है ऑफ अ डेट। देखिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, अगर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बोले ना तो डिबेंचर आएगा, अगर ऐसा बोल देता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ शेयर कैपिटल तो वहाँ पे शेयर्स आएंगे, याद रखना शेयर कैपिटल, जब शेयर के थ्रू कंपनी पैसा लेती तो शेयर सर्टिफिकेट देती है, लेकिन जब भी कंपनी डेट कलेक्ट करती यानी उधार लेती है, लोन लेती है, तो कंपनी डिबेंचर देती है, तो डिबेंचर क्या है, एग्जा एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल इट डिनोट डैश, जब क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होता है ओपनिंग कैपिटल से, डिनोट प्रॉफिट, क्या डिनोट करता है प्रॉफिट, देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट दिया है, अभी ऊपर सेम क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देखिए लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था, देखिए डार्क है। ओके, लेकिन सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिख देने का,
कैश प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ डैश एक्टिविटी, ओके, फाइनेंशियल एक्टिविटी। जो कैश आप कलेक्ट कर रहे हैं डिबेंचर इशू करके, जो पैसा आ रहा है वो कौन सी एक्टिविटी है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। डैश इज अ पर्सन टू होम द अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल, ओके, पे इज द पर्सन, ओके। अभी मैंने आप लोगों को बताया था पे ही कौन हो सकता है, ड्रॉवर एंड रिसीवर, ड्रॉवर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन ऑल्सो, ओके, येस। जैसे ए ने सोल्ड किया गुड्स टू बी, ओके, तो बी किसको पैसे देने वाला है, ए को। और कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि ए क्या बोल सकता है बी को कि भाई मुझे मत दो, मेरा फ्रेंड है मिस्टर सी, मैंने उससे उधार पे लिया था, उसको दे दो। तो यहाँ पे ए भी रिसीवर हो सकता है और पे कौन हो सकता है, मिस्टर सी भी हो सकता है, मतलब एंडोर्सर, ओके, ऐसा भी हो सकता है, येस। आगे दिए ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू डैश अकाउंट, इनडायरेक्ट सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आते हैं, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंड ऑफिशियल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, येस। तो डेबिट किया जाता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओके। आगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ द डेथ इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, किसमें डेबिट किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में। क्यों, वो सस्पेंस बना रहता है उसका प्रॉफिट कहाँ शेयर किया जाएगा। आगे इफ सस्पेंस का मतलब होता है डाउट, इफ एनी असेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अगर कोई भी असेट लिया जाता है पार्टनर के द्वारा फ्रॉम द फर्म, हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो उसका अकाउंट का क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। दिस इज देयर आर सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ पार्टनर्स, मिस्टर ए बी सी आर रनिंग एनी पार्टनरशिप फर्म एंड मिस्टर ए हैज टेकन गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम हिज बिजनेस, ओके, तो वहाँ पर लिखाया जाएगा उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा कि एज अकाउंट डेबिट टू, ओके, एज ड्रॉइंग्स अकाउंट, ए क्या कर दिया, ड्रॉइंग कर लिया ना, मतलब उसने कैश लिया है, ओके, यस। आगे दिया फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज डैश, फर्दर कैपिटल मालूम है आपको, फर्दर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर को क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अभी भी बोल रहा हूँ सिंगल एंट्री का, जाकर पूरा लेक्चर मेरा देख लो, 1, 2, 3 लेक्चर से सिर्फ, बहुत ही अच्छे लेक्चर से, एक कसम से बोलता हूँ पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपको ये सब का, और बहुत ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। मैंने ज़्यादातर ऐसा थियोरी बनाया हुआ है, सिंगल एंट्री डिसोल्यूशन हो गया या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, जाकर देखिए आप लोग, बहुत फ़ायदा होगा। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज डैश फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट डिडक्टेड, ओके, येस। कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। इफ शेयर आर इशूड एट इट्स फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड इशूड एट डैश, जब शेयर इशू किया जाता है फेस वैल्यू पे तो उसे क्या बोलते हैं, पार, पार मतलब इक्वल, मतलब कंपनी का एक शेयर का प्राइस 10 रुपये ही था और कंपनी ने पब्लिक को भी 10 में दे दिया तो पार दे दिया इक्वल पे, लेकिन अगर कंपनी वहीं पे 10 की जगह 12 ले लेती तो प्रीमियम हो जाता। अच्छा, कंपनी का शेयर क्या था, 10 रुपीज़ था, कंपनी 9 में देती थी तो डिस्काउंट हो जाता था, समझ में आया, और 10 है तो 10 पे दिया तो पार बोलते। अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड डैश, ऐसा जो पर्सन बिल को एक्सेप्ट करता है, तो कौन एक्सेप्ट करता है, मिस्टर ए ने ड्रॉ करके दे दिया तो बी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे एक्सेप्टर बोलते, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिया है तो उसे एक्सेप्टर कहा जाएगा, ओके, यस। द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग, जो कैपिटल होता है बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब साल शुरू होता है, ओके, अभी बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या, आप देखिए जब आप सिंगल एंट्री सम सॉल्व करते तो आप लोगों को दो ईयर दिया रहता है, एक बिगिनिंग दिया रहता है, सपोज एग्जाम आया 1 अप्रैल 2019 और एक क्लोजिंग दिया रहेगा 31 मार्च 2019, तो बिगिनिंग कैपिटल कौन से कॉलम में निकलता है, आपका बिगिनिंग वाला डेट लिखते हैं यानी 1 अप्रैल 2019, यस। तो द कैपिटल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्या बनाते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इफ एनी असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म द कैपिटल विल बी डैश, अगर कोई भी असेट लिया जाता है, एनी असेट टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डैश, कोई भी असेट लिया जाता है बाई पार्टनर उसके पार्टनर से फ्रॉम द फर्म हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डैश डेबिटेड, उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, ओके। देखिए बार बार आ रहा है यहाँ, ये तो एक कर लेना, ओके, कई बार आ चुका है ये असेट्स वाला, उसके ऊपर भी पहले आया था और अभी भी आया, ओके फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ भी आया था असेट टोकन, तो उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, इसके ऊपर भी आया हुआ था, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद द प्रोडक्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेगा सेक्रीफाइस इज कॉल्ड, अभी कोई भी ऐसा प्रोपोर्शन देखिए, सॉरी द प्रोपोर्शन, ऐसा प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर्स मेगा सेक्रीफाइस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशियो, सिंपल सी बात है। द ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू डैश, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं आप,
ये भी तो बच्चे को भी पता रहेगा, बच्चा मीन्स आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये बी रिटायर, अगर बी रिटायर होता है देन द न्यू रेशियो विल बी ऑफकोर्स, तो न्यू रेशियो क्या होगा 5:2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यस अभी देखिए मैं ये कैलकुलेशन यहाँ पर आप लोगों को करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को ये आता रहेगा। इफ शेयर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड इशूड एट पार। अभी देखिए ऊपर भी आया था, अगर शेयर इशू किया जाता है फेस वैल्यू पे तो उसको बोलते हैं पार। देखिए सेम, ओके यस। तो ये बार बार मैंने इंपॉर्टेंस के चक्कर में एक दो बार एक्स्ट्रा लिख दिया उसी को, ओके। तो ज़्यादा है नहीं, सिर्फ नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन देखिए अभी ये पार्टनर्स टेकन वाला कितनी बार, 3 बार ये रिवाइज हो चुका। कौन सा इधर गया, ये असेट्स टेकन और भाई, ये लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन आ गया, ओके। तो बाय मिस्टेक मैंने रिवाइज कर दिया है, ओके। उसके बाद क्या है, देखिए ये भी रिवाइज हो गया, ओके। कई बार रिपीट हो गया, रिपीट होने से क्या है नंबर्स बढ़ गए, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे है। देखिए अभी बिल के ऊपर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ऐसा क्वेश्चन आएगा। द बिल ड्रॉन ऑन 12th June 2013 एट 2 months, कितने महीने के लिए, 2 महीनों के लिए, वुड बी पेबल ऑन। अभी देखिए जून में ड्रॉ किया है, कभी ड्रॉ किया है जून में ड्रॉ किया है, अभी जून देखिए कभी भी ना। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, लेक्चर जाके देख लो, बहुत ही बेनिफिट रहेगा आप लोग का, ओके। तो द बिल ड्रॉन ऑन 12th June, 12 जून को बिल ड्रॉ किया है, ओके, 2013 को, और 2 महीने के लिए। तो जून में ऐड करो 2 महीने, जून में जुलाई 1 और फिर अगस्त 1, तो 2 महीना हो जाएगा, यानी 12 अगस्त आ रहा है 2013, और 3 ग्रेस डेज ऐड करो, तो 12 में 3 ग्रेस डेज अगर आप ऐड करते तो 15 अगस्त हो जाएगा। बट 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल हॉलीडे, मतलब 15 अगस्त तो 15 अगस्त रहता है ना, तो कभी भी ऐसा आया ना तो 1 डे अर्लियर होता है, ओके। कभी कौन कौन से डे में, अगर 26 जनवरी को बिल का डेट फॉल हो रहा है, मेच्योरिटी हो रही है 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर, तो 1 डे अर्लियर आए, इसको पब्लिक हॉलीडे बोलते हैं, ओके यस। तो 14 अगस्त इसका आंसर है। उसके बाद फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो डैश, ओके, लिक्विडिटी, ओके। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब लाइक बैलेंस शीट, ओके, और प्रॉफिट बैलेंस शीट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा, इसे इसको बनाकर क्या पता चलता है, लिक्विडिटी। रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू डैश कैश बैंक अकाउंट, ऑफकोर्स आप लोगों को मालूम है, डिजोल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ओके। डिजोल्यूशन के मैंने लेक्चर्स दे दिए हैं, तो दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए, एक नंबर एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट क्या है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस के इधर सिखाया शो किया जाता है। देखो कभी भी आउटस्टैंडिंग आया ना तो लाइबिलिटी साइड, प्रीपेड आया ना तो असेट साइड, वो प्रीपेड हो या प्री रिसीव्ड हो ऑलवेज असेट साइड, ओके। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या आउटस्टैंडिंग इनकम हो, ओके, वो हमेशा आएगा लाइबिलिटी साइड। आगे बात करते अविल इज ड्रॉन, अगर अविल इज ड्रॉन ऑन 23rd September 2013, बिल ड्रॉ किया है, कभी ड्रॉ किया है 23 September 2013, 4 मंथ्स के लिए, तो सेप्टेम्बर में ऐड किया है, तो सेप्टेम्बर यानी 9 मंथ होता है, सेप्टेम्बर में आप 4 मंथ्स ऐड कीजिए, फिर एक महीने एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद आ रहा है जनवरी, तो 23 सितंबर है, तो 23 जनवरी आ रहा है, प्लस 3 ग्रेस्ड है, तो 24, 25, 26, लेकिन 26 मैंने अभी ऊपर बताया आप लोगों को पब्लिक हॉलीडे होगा, तो 25 जन इसका आंसर होगा, ओके। कैपिटल बैलेंस इज असर्टेन बाई प्रिपेयरिंग डैश स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, देखिए फिर से रिपीट हो गया, कई बार रिपीट हो चुका तो ध्यान देना, ओके। कैपिटल बैलेंस कैसे असर्टेन किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं आप, ओके। फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, अगर आप लोगों को पूछ ले यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कैसे आता है, तो ऑप्शन दे देगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस पूछा तो ऑप्शन रहेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अगर नहीं रहेगा तो फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिखाना रहेगा। फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो दैश, ओके, लिक्विडिटी, ये भी देखिए रिपीट हुआ है, अभी इसके पहले ही आपको आया था यहाँ पे लिक्विडिटी, ये देखिए यहाँ पे आया था सेम, ओके। तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, यही सब बार बार आपके एग्जाम में आएगा, गारंटी देता हूँ, अगर अलग आया ना तो आप बोलना, आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कि वाओ सर आपने जो भी इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव दिए थे फिल इन द ब्लैंक्स वही सब आए। द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज शेयर बाय डैश ऑल द पार्टनर्स, देखिए ये भी ऊपर आया था, ओके। रिटायरमेंट भी होता है तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होता है कौन शेयर करता है, ऑल पार्टनर्स, ओके, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है रिवैल्यूएशन किस में दिखाया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी ऊपर दिखाया था। परचेस ऑफ स्टेशनरी या डैश एक्सपेंडिचर, अगर आप स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू क्यों, रिवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल क्या लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और डिफर्ड रिवेन्यू क्या होता है, जैसे कुछ 5 साल के ऊपर हो गया तो डिफर्ड रिवेन्यू रहेगा। कैपिटल क्या होता है, मोर देन 10 ईयर हो गया, रिवेन्यू मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए।
तो स्टेशनरी यानी आपने पेंसिल लिया या कुछ बुक्स खरीदे तो शॉर्ट पीरियड के लिए वो 10-20 साल थोड़ी चलता है। डैश मीन्स पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट, ओके, रिटायरमेंट ऑफ बिल, यस, रिटायरमेंट ऑफ बिल को ही क्या बोलते हैं, पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट, यानी पहले ड्यू डेट के पहले ही बिल दे देना। जनरली कंप्लीट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय द डैश, पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड कौन रखता है, ट्रेडर, ओके, यस। आगे दिया द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ट्रांसफर टू डैश, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसको ट्रांसफर किया जाता है डैश टू द साइड ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डैश, जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट, ओके, डेबिटेड, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिटेड किया। देखिए ये भी रिपीट हुआ है, ये ऊपर भी आ चुका था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आ चुका था, वापस रिपीट हुआ है, तो प्लीज़ यही सब कर लेना, इससे ज़्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप जितना मैं 50 दिया हूँ ना, 50 भी कर लेंगे ना तो बहुत हो जाएगा, टोटल 70 है लेकिन आप 50 कर लिए तो बस बहुत है। उसके बाद अ बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन 23 नवंबर 2012 फॉर 2 months विल बी पेबल ऑन डैश, ओके। 23 नवंबर को बिल ड्रॉ किया है 2 months के लिए, तो नवंबर में 2 months ऐड कीजिए, एक ऐड किया तो दिसंबर आएगा, यानी 23 दिसंबर, और एक ऐड किया तो आ जाएगा January 2013, ओके, 23 जनवरी, 3 days ऐड करो भाई, फिर 26 आ रहा है तो 25 हो जाएगा। आप लोगों ने ये देखा होगा कितनी बार ये आ चुका, ओके, तो अच्छे से समझ लेना इसको। इफ द ओपनिंग कैपिटल इज ₹80,000, क्लोजिंग कैपिटल इज 180,000 एंड विदड्रॉस आर 10,000 एंड एडिशनल कैपिटल ब्रॉड इज ₹20,000 तक क्या प्रॉफिट विल बी। देखिए बहुत ही ईजी है ये, सिंगल एंट्री में मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों की प्रॉफिट कैसे निकालना है, ओके, तो जाकर आप लोग देख लेना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 90,000, ओके फ्रेंड्स। आगे है देखिए, असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड देयर वैल्यू, ओके, तो कुछ पे असेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, या डिजोल्यूशन की बात हो रही है तो बुक वैल्यू पे, ओके। आगे शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ द डेथ इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये भी देखिए ट्रांसफर किया था, ओके, ये भी मैंने रिपीट किया हो गया, ये भी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ओके, क्या किया जाता है उसको, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये आर्टिकल्स आर साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, अगर जो आर्टिकल है उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है कॉल इन एरियर के बारे में, द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज 5%, कितना रहेगा 5%। ये आपके इशू ऑफ इक्विटी शेयर यानी कंपनी अकाउंट का है, लेकिन शायद कंपनी अकाउंट आप नहीं पढ़े होंगे इसलिए आपको आइडिया नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्या दिया है, हाँ, द क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो डैश फ्रॉम द फाइनेंशियल एनालिसिस लिक्विडिटी, ये भी कई बार ऊपर आ गया, ओके। अ बिल ऑफ 1 month ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन 31 जनवरी विल बिकम ड्यू ऑन डैश, ओके, क्या बोल रहा है कि एक बिल है वो 1 month के लिए ड्रॉ किया है, कितने महीनों के लिए, 1 month के लिए, कभी ड्रॉ किया एक्सेप्टेड ऑन 31 जनवरी, और वो कभी एक्सेप्ट किया गया है 31 जनवरी को, विल बिकम ड्यू ऑन, कभी वो ड्यू होगा, तो 31 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया, ओके, और ड्रॉ किया अभी किया था 1 month के लिए, तो अभी 31st को से आप 1 month ऐड कर दीजिए, मतलब 30 days ऐड कर दीजिए, ओके, उसके बाद उसमें 3 grace days ऐड कर दो आप, 31 जनवरी को किया था तो आ जाएगा 3rd March, ओके। उसके बाद दिया अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम डैश इज प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिट और लॉस, ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, अगर ओपनिंग बैलेंस बोलता था तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस प्रिपेयर फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए, देखिए बोला है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डैश इज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजर्नर ऑफ द फॉरेन बिल, हाँ देखिए अगर आपका कोई भी फॉरेन बिल है उसको अगर हमारी कंट्री डिजर्नर करती है तो प्रोटेस्ट करते हैं, इसका विरोध करते हैं अदर कंट्रीज, ओके, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात की है। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डैश, ओके, कैश पेमेंट अगर हम दे रहे हैं क्रेडिटर्स को तो उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे दिया सिंगल एंट्री सिस्टम इज डैश, तो सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ओके, इसे कहा भी जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ओके, सिंगल एंट्री का दूसरा नाम यही है इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, ओके, यस, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम बिफोर एक्सेप्टिंग अ बिल इट इज़ कॉल्ड डैश, जब तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्लीज़ जाके देखिए, हाँ, कोई भी बिल एक्सेप्ट करने के पहले, यानी मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ करके दिया किसको, मिस्टर बी को, तो ए इज़ अ ड्रॉवर, बी इज़ अ ड्रॉई, बट अभी तक वो रास्ते में ही है ए बिल, या ए के पास ही है बिल ड्रॉ करके ए ने रखा, लेकिन अभी तक या बी के पास पहुँचा है, बी ने अभी तक उसको साइन नहीं किया,
सिग्नेचर नहीं दिया अपना और एक के पास भेजा नहीं, तब तक वो साइन नहीं कर देता तब तक उसे ड्राफ्ट किया जाएगा, लेकिन एक बार वो एक्सेप्ट हो गया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू डैश अकाउंट, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू डैश अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे ये कैश अकाउंट दिया है। ओके, रेसिडेंट पेमेंट किससे सिमिलर होता है? कैश अकाउंट से। आगे रियलाइजेशन अकाउंट इज डैश अकाउंट व्हेन असेट्स आर रियलाइज, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। ये डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। ओके, क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा होता स्टेटमेंट होता है जो सारे लेजर अकाउंट को दिखाया जाता है? तो आप लोगों ने FIGC में पढ़ा था, जब लेजर बनाते हैं या अभी आप ट्रायल जैसे फाइनल अकाउंट करते हैं तो पूरा लेजर अकाउंट उसमें दिया रहता है। लेजर अकाउंट मतलब सबका बैलेंस दिया रहता है, तो उसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। बिल इज ड्रॉन ऑन 15 अगस्त फॉर 45 डेज, विल बी पेड ऑन 22 सितंबर को आएगा। ओके, आगे दिया व्हेन अ पार्टनर टेक ओवर अ लायबिलिटी इट इज़ क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, जब पार्टनर्स की लायबिलिटी बढ़ती है ओके तो क्या हो जाता है, क्रेडिट किया जाता है कैपिटल अकाउंट। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डिनोट डैश। ओके, जब असेट्स ज़्यादा होता है, हाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप बनाते हैं तो एक बात याद रखना, मैंने सिंगल एंट्री का लेक्चर प्लीज़ जाकर देख लो, पूरा ही क्लियर हो जाएगा आपका। सिंगल एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिजर्वेशन के ही यहाँ बार बार आते जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो देख लेंगे तो आप लोगों का फंडा क्लियर रहेगा। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अगर असेट्स ज़्यादा है लायबिलिटी कम है तो क्या डिनोट करता है? वो कैपिटल बताता है। ओके, असेट्स में से ही तो माइनस करते हो लायबिलिटी को, जब असेट्स में से आप लायबिलिटी माइनस करते हो तो बैलेंस क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, वही दिया यहाँ पे कि एक्सेस अगर असेट्स ओवर है, एक्सेस यानी ज़्यादा है असेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा है तो क्या होता है, वो कैपिटल बैलेंस होता है। डैश स्टेटमेंट रिक्वायर चूजिंग ऑफ कॉमन बेस। ओके, कौन सा कॉमन सा स्टेटमेंट? ओके, आगे दिया एज पर द कंपनी से 956 द मिनिमम अमाउंट पेबल ऑन शेयर एप्लीकेशन शुड बी 5%, कितना होना चाहिए? 5%। ओके, यहाँ पे 5 ही लिखा है, 5% आ सकता है एग्जाम में। व्हेन कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स चेंज एवरी ईयर इट इज़ नोन एज डैश मेथड। यस, कैपिटल बैलेंस जब चेंज होता रहता है तो उसको फ्लैक्चुएटिंग मेथड बोलते होंगे। यस, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम रिगार्ड सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस। ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने इस वीडियोस को देख लिया, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। येस माई डियर फ्रेंड्स, आई एम बैक। आप लोगों ने अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लिया सारे इंपॉर्टेंट इन द ब्लैंक्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।